हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या इस टीम में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या को लेकर बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों इसी के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या की, तो दोस्तों बता दें कि हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या दोनों एक ही टीम के साथ आईपीएल में खेलते थे। जी हां दोस्तों, वह टीम थी मुंबई इंडियंस। जी हां दोस्तों, जो कि अब मेगा ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या दोनों को रिलीज कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे में कई बड़ी टीमें हैं जो कि दोनों खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कुणाल पांड्या की, तो दोस्तों कुणाल पांड्या की दो बड़ी टीमें जो कि अपनी टीम में शामिल कर सकती है मेगा ऑक्शन में। तो दोस्तों पहला टीम है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। जी हां दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बेहद ही बड़ी बुली लगाते हुए नजर आ सकती है कुणाल पांड्या पर। वहीं दोस्तों दूसरी टीम का बात करते दोस्तों वह है अहमदाबाद। जी दोस्तों, मेगा ऑक्शन में अहमदाबाद कंफर्म रूप से कुणाल पांड्या के पीछे जाने वाली है, क्योंकि किसी भी हाल में चाहिए कुणाल पांड्या उनके टीम में शामिल हो अहमदाबाद। तो दोस्तों वहीं दोस्तों बात करें दूसरे खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की, तो दोस्तों बता दें कि हार्दिक पांड्या लगभग कंफर्म है कि मेगा ऑक्शन से पहले ही अहमदाबाद में शामिल हो जाएंगे। जी दोस्तों, और अहमदाबाद के कप्तान भी बन सकते हैं हार्दिक पांड्या, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। तो दोस्तों यह जुड़ी खबर जो कि कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या से। तो दोस्तों आपको यह खबर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।